आज वॉशिंग कराई, इसके लिए बुक कर रही है एक। सो हेलो गाइस, कैसी अपन लोगों की जनता, होप है सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में आपको, आर के द मिस्टीरियो में। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज मैं अपनी बुलबुल पे व्लॉग नहीं बनाने वाला, आज मैं अपनी हबीबी में व्लॉग बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं काम, चलते हैं अपनी हबीबी को वॉश कराने के लिए, ठीक है। तो और मैंने बुलबुल में भी थोड़ी बहुत चेंजेस कराई है कल, वो भी आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। चलते करते हैं अपनी हबीबी को स्टार्ट, आपको भी हबीबी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हबीबी बहुत गंदी हो रही है। सबसे पहले मैं कराता हूँ उसको वॉश, क्योंकि यार ना बहुत दिनों से एक ही जगह पर रुकी हुई थी, तो उसी की वजह से बहुत डस्ट चढ़ गई है। निकलते हैं हम एकदम ताज़ा राइड पे, ठीक है। तो निकलते हैं, कराते हबीबी को वॉश सबसे पहले। तो निकल चुके हैं अपन लोग घर से, करते एक समूची राइडिंग अपनी हबीबी में, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे रैप सॉन्ग की भी तैयारी चल रही है, तो वो जल्दी आएगा इंशाल्लाह। मेरा जो दोस्त का स्टूडियो है वो थोड़ा बिजी है, सेब उतार में लगा हुआ है और मेरी लंका लगा रहा है, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1K पे सॉन्ग लाऊंगा, बट अभी नहीं ला सका उसके लिए, सॉरी। बट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रैप सॉन्ग भी आएगा और दुमदा वीडियोज भी आएगी, राइडिंग वीडियोज भी, जब तक मेरे गोप्रो नहीं आता, ठीक है। तो आप सब लोग यार जम के सपोर्ट करो, क्योंकि यार आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात वॉचिंग आवर्स का, वो तो बहुत कम चल रहे हैं, अभी माइनस में जा रहा हूँ। कर क्या रहे हो यार, व्लॉग देखो, व्लॉग को स्किप मत करो, बिना स्किप के देखो, ठीक है। तो आपको हबीबी के भी आफ्टर शॉट्स दिखाता हूँ, मेरी हबीबी कैसे है। वैसे मेरी हबीबी फुल मॉडिफाइड है, ठीक है। तो इसमें बहुत चेंजेस कराने वाला हूँ इस साल इंशाल्लाह, दिल्ली ले जाकर इसमें सब चेंजेस कराऊंगा मैं, अलॉय भी चेंज कराऊंगा और रूफ रैप भी कराऊंगा, और रूफ में ब्लैक या मैट ब्लैक कुछ भी नहीं, बट इसमें कराऊंगा मैं चमेलियन रैप आता है वही वाला कराऊंगा इसमें, ठीक है। हाफ करेंगे ड्यूल टोन में। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो मेरी कार एंड बाइक वॉश करता है, उसी के पास जा रहा हूँ मैं अभी। और यार आप एक चीज़ और नोट्स करो यार, मेरे ना डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आपसे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, और अब क्या बताओ यार, नींद ना करने की वजह से ये रात रात भर व्लॉग की एडिटिंग करना, दिन में व्लॉग बनाना, रात को एडिटिंग करना, सुबह यार अपलोड करना, यार क्या बताऊँ यार, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। और आज मेरा मूड भी नहीं था वैसे, बट अभी भी बहुत दिनों से घर पे गंदी पड़ी रही थी, अंदर से तो ये वैसे साफ़ ही है पर बाहर से एकदम गंदी लग रही है, अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। अब इसको वॉश करा के आपको इसके आफ्टर शॉट्स दिखाता हूँ मेरी हबीबी कैसी है। ये भी कम नहीं है, बुलबुल के टक्कर में ही है, ठीक है। बट बुलबुल के टक्कर में तो कोई नहीं है वैसे, बट अपन की हबीबी है। तो आप बता देना कि कमेंट में, आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि इसमें क्या क्या चेंज करूँ मैं, क्या क्या। और एक बात, आज तो यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से मैंने जैकेट भी पहनी है, और मैं जैकेट निकाल लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है जैकेट की वजह से। आदत बन चुकी है ना यार राइडिंग के वक्त जैकेट डाल के रखना, उसी की वजह से आदत बन गई है मेरी। सोते वक्त भी जैकेट, जागते वक्त भी जैकेट, जहाँ जाओ पहले जैकेट उठाओ फिर निकलो, ठीक है। बट आज ना अच्छी बहुत खास बहुत कीड़ी धूप निकल रही है। तो यार जो भी व्लॉग देखता है या कुछ देखता है यार, शेयर किया करो, बिना सीखे वीडियो देखा करो, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्दी हम, अभी 1K हुआ है, उसके लिए आपसे मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया, ठीक है। और वो भी यार एक मंथ में आपने मेरा 1K करा दिया, उसके लिए थैंक यू। और ये मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था कि अभी यार मैं, जब मैंने बताया था आप लोगों से मैं रैप सॉन्ग लाने वाला हूँ, उस टाइम पर मेरे थे 700 कुछ सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी यार 2 या 3, मुझे लगा यार लगभग एक आधा हफ्ते या 2 या 3 हफ्ते लगेंगे 1K होने में, तब तक मैं रैप सॉन्ग की तैयारी भी करता हूँ। बट एक बात है कि जैसे ही मैं सुबह उठा 880 कुछ, और जैसे ही मैं शाम में फ़ोन खोला 900 कुछ, या मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ यार, मैं आप लोगों से क्या कहूँ। ऊपर से आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यार मैं रैप सॉन्ग लाऊंगा ही लाऊंगा, बट यार उस टाइम ना मैं खुश भी बहुत हुआ कि यार चलो यार आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो आप मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू भाई। और रही बात मेरी हबीबी की, हबीबी भी यार बहुत मज़ा आता है यार व्लॉगिंग करने में, यार बहुत ही स्मूथ चलती है, और ना ही खतरा ना कुछ, और ना ही हेलमेट पहनना, ना ही बैग पहनना, ना ग्लव्स, कुछ भी नहीं, एकदम बंदा ताज़ा रहता है, ठीक है। मान कि ऐसा लग रहा है मैं हल्का हूँ अभी राइडिंग पे, यार पता नहीं यार सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में यार धूल चली जाती है, ठीक है, और बालों की बैंड बन जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल घुस जाती है अंदर,
कुछ भी पता नहीं, ठीक है। तो कल हम गए थे श्रीनगर, श्रीनगर से हमने सामान लिया ब्लू के लिए, उसके लिए मैंने लाई रिंग लाइट्स लाई जो मैंने पहले लगा रखी थी, आपने देखी होगी मैंने लगा रखी थी पहले ब्लू में रिंग लाइट्स, और विंगलेट लाई उसके लिए, विंगलेट और टीएलईडी उसकी टूट गई थी वो भी लाई नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैंने सबसे पहले काम मैं पहले बुलबुल को लेके आया, उसको वॉश कराया, और उसको वॉश कराने के बाद अब हबीबी में निकल रहा हूँ। अब मैं अपनी हबीबी को वॉश कराऊंगा, मैं पहुँचने वाला हूँ भाई के पास, और भाई मेरा वेट कर रहे होंगे। मेरे भाई को पहले ही कॉल किया, भाई मेरा वेट करना क्योंकि यार मुझे टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है उतना, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी से मेरा बुरा हाल हो जाएगा, है ना। तो चलते भाई के पास, देखते क्या लोग क्या हाल हो गया भाई के। सबसे गंदा पता है मुझे क्या लगता है यहाँ पे, सबसे गंदा लगता है यहाँ से जो रोड है ना यार, इसमें थोड़ा बहुत बाइक को ना कुछ मैगडम वैगडम या कुछ बाजरा वाजरा डालना था इसमें यार, क्योंकि यार गाड़ी निकालते वक्त ना टायर में यार धूल लग जाती है, वो बहुत ही गंदा दिखता है यार यहाँ से। आज गाड़ी में वैक्यूमिंग भी कराएंगे और सब कुछ ठीक है ओ भाई। तो अभी मैं गाड़ी नहीं बैठूंगा क्योंकि यार बाहर ना बहुत ही तेज धूप हो रही है, आपको दिखाता हूँ, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा, गाड़ी बाहर से ना बहुत ही तेज धूप हो रही है। कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। एक तो मोस्टर वाला यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ठीक है, और लाइट्स में डीआर लगी हुई है, और ये बॉन्ड के लिए शो, और साइड मिरर्स, और मिरर के ऊपर लिल मिरर्स लगे हुए, और ये अपना नाम आर के कस्टम ग्राफिक्स, मेरी शॉप का नाम है और आर के अपना, ठीक है। और इसके जो डोर हैंडल है इसमें भी लाइट्स लगी हुई है, आप देख सकते हो, और अलॉयज भी। और आप बता दो कि इसमें क्या क्या बाकी है, स्प्लेक्टर्स भी लगे हुए आगे देख सकते हो आप। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं अपनी हबीबी में और क्या क्या लगाऊँ, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आया कुछ भी आप बता देना, उसी के हिसाब से मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब बुलबुल हबीबी तो कंप्लीट हो चुकी है, आप जाते हैं सीधे घर और दिखाता हूँ मैं आपको बुलबुल में क्या क्या लगी है न्यू एक्सेसरीज, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा घर पे, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली आप देख सकते हो गाइस मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस कराई है, न्यू चेंज तो कराई है, पहले की सबसे पहले लगाया मैंने इसमें विंगलेट, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लग रही है, और मैंने एंजल लाइट्स लगाई है इस पर, आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, इसे मैंने एंजल लाइट्स भी लगाई हुई है, ठीक है। एक तो एंजल लाइट्स लगाई और लगाया विंगलेट, विंगलेट के पास में यहाँ से मैंने एक नीचे से एंजल लाइट्स लगाई है, और इंजन के अंदर से भी। और आप दूर से चेक करो कि बुलबुल कैसी लग रही है एक न्यू लुक के साथ, और आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बुलबुल बेस्ट है या अपनी हबीबी, ठीक है। और ये हबीबी आज वॉशिंग कराई इसके लगभग 2 महीने के बाद, तो आपने तो बुलबुल की मॉडिफिकेशन देख ली है, ठीक है। और टीएलईडी भी न्यू लग चुकी है इसमें, टीएलईडी टूट चुकी थी इसमें, और कवर मैंने वापस से लगा दिया है, ठीक। सो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, ठीक है, सेहत बनाते रहो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।